Yeah, so I thought, you know, as an actor, and this is my first film, and I'm really proud of it. In fact, my role, because my character is someone who's very calm on the surface. As Sir said, when you discover yourself at 13, and you can only come out at 18, 19, and reach out to the organizations, my character doesn't even do that, because he's so afraid. So he's calm on the surface, but he's a chaos inside. And I found that very challenging, you know, to pull off that in my first film. I thought, you know, I'd rather do a film like this, then a masala film with six-pack abs, and like, hey, main hu hero sabka. Does your film have I had to convince him with one thing, saying that, you know, everybody is doing those, the love story and this and that. If you need to stand out, here's something different. Give it a thought. And that's when the third time around, he agreed. I think definitely. मुझे लगता है कि फिल्म जो माध्यम है उसमें बहुत मैं अक्सर बोलती हूँ उसमें बहुत पावर है बहुत शक्ति है आई थिंक कि नॉट जस्ट ये फिल्म हर फिल्म आई थिंक कि चाहे वो बजरंगी भाईजान हो या वो पीपली लाइव हो या वो मर्दानी हो या वो टाइम आउट हो या वो क्वीन हो मतलब अगर 125 लोगों के हॉल से इवन दो लोग एक सवाल लेके निकल रहे हैं तो एक छोटा सा बदलाव हुआ है सो आई थिंक सिंपली पुट डेफिनेटली फिल्में समाज में बदलाव ला सकती हैं मानसिकता में बदलाव ला सकती हैं और इसलिए अच्छी फिल्में बननी चाहिए जी बिल्कुल महाभारत में कृष्णा जब अर्जुना के लड़के को सैक्रिफाइस करना होता है रात ही डजंट वांट टू डाई अ वर्जिन तो कृष्णा जो है मोहिनी का रूप लेते हैं और सारी रात उनके साथ बिताते हैं और सुबह एज अ विडो ही वेल्स उनके लिए रोते हैं और वो आज भी तमिलनाडु में सेलिब्रेट होता है जहाँ जो हम कम्युनिटी को कहते इट्स कॉल्ड द हिजड़ा कम्युनिटी द कोआगम हिजड़ा कम्युनिटी आज भी जाकर और मैं नॉट सेइंग दिस इन अ नेगेटिव वे वो कम्युनिटी का वो आज भी जाकर लॉर्ड कृष्णा को मानती है सेकेंड जो भगवान महाशास्ता है वो शिवा और मोहिनी के बंधन से भगवान महाशास्ता का जन्म हुआ है इसके अलावा कई और एग्जाम्पल है वाल्मीकि रामायण में कई ऐसी औरतें हैं जो अपने हस्बैंड्स को विलिंगली छोड़ते हैं रावणा के लिए और अपने आप क्योंकि रावणा उस वक्त अवेलेबल नहीं होता वो अपने साथ यू नो उनके उनका दे मेक लव टू ईच अदर तो कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं बड़े एक्सप्लिसिट एग्जाम्पल्स हैं तो हिंदुस्तानी कल्चर को हमें पढ़ना चाहिए इसे जानना चाहिए और ये इंडियन कल्चर है ना कि जो ये कह रहे कि इंडियन कल्चर नहीं है किसी भी बच्चे को अक्रॉस द कंट्री पूछ लो वो यही डायलॉग रिपीट करेगा मैं बच्चा हूँ बेवकूफ़ नहीं ये डायलॉग मैं खुद भी बोलता हूँ मैं आज 27 साल का हो गया हूँ मैंने पिक्चर बना ली है मैंने प्रोडक्शन हाउस अपना खोल लिया है मेरे को दिन में कम से कम 10 लोग मिलते हैं जो मेरे को कहते हैं तुम अभी बहुत छोटे हो तुम बच्चे हो अभी तुमसे नहीं हो पाएगा रहने दो मेरी जो को प्रोड्यूसर बैठी है शची यहाँ पे उसको बोला गया तुम लड़की हो तुम्हें खा जाएंगे तुम बहुत छोटे हो तुम नहीं बना सकते पिक्चर तो ये जो ये एक फीलिंग स्कूल टाइम से मैं बच्चा हूँ बेवकूफ़ नहीं आई थिंक ये पूरा हमारा कंट्री का यूथ इस चीज़ से एग्री करेगा इनफैक्ट हमारी कंट्री का हर कोई सिटीजन जो किसी से एक साल या छः महीने भी छोटा है मैं बच्चा हूँ बेवकूफ़ नहीं हर किसी को चिल्ला के बोल सकती है ये बात सो ये वहाँ से आया फर्स्ट ऑफ ऑल अलाउ योर चिल्ड्रन टू स्पीक एक्सप्रेस देम सेल्फ एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम एंड अदर देन दैट वॉट एवर द प्रॉब्लम इज देयर यू नीड टू फाइंड द सोल्यूशन इफ यू आर नॉट एबल टू टॉक टू देम क्लियरली टॉक टू द एल्डरली पीपल इन योर फैमिली And teachers should also speak in a positive way. As they have told in school, bullying is happening, which is very common for especially gay people. But if something is happening, teachers should talk on this. They should talk to the students and explain them okay, what is the scenario, how to deal with that particular situation. If the child is having this problem, they should not bully them, but how to accept them in the society in a different way. बहुत अच्छी फिल्म है टाइम आउट सबसे पहले बहुत ही सहज और संवेदनशील ढंग से बनाई हुई फिल्म है ये पूरे मुद्दा जो समलैंगिक होने का मुद्दा है उसे बहुत अच्छी तरीके से डील किया गया है एंड मुझे बहुत उम्मीद है कि ये फिल्म देखी जाएगी पसंद की जाएगी ऐसी फिल्में बननी चाहिए ऐसे मुद्दों पर और ऐसे कई सामाजिक मुद्दों पर फिल्में बननी चाहिए देखी जानी चाहिए एंड आई एम श्योर कि एक अच्छी फिल्म है अच्छा मैसेज है एंड आई एम श्योर वो मैसेज दर्शकों तक पहुँचेगा आई मीन मैं शत प्रतिशत सपोर्ट करती हूँ ऐसे मुद्दे को या ऐसी अच्छी फिल्मों को मुझे लगता है कि समलैंगिक होना या ना होना या स्ट्रेट होना या गे होना एक पर्सनल चॉइस का मामला है ये बिल्कुल प्राकृतिक चीज़ है ये एकदम नॉर्मल चीज़ है इसमें कोई बड़ा हुआ नहीं है और एक लोकतंत्र होने के नाते भारत के सारे बाशिंदों को और दुनिया में सबको हक होना चाहिए कि वो जैसे हैं वो अपनी वो अपने होने की अभिव्यक्ति वो जिस रूप में करना चाहें वो करें और बहुत शर्म की बात है कि हमारे जैसे लोकतंत्र में आर्टिकल 377 जैसा
एक लॉ है जो एक ऐसे समुदाय को जो हमारे ही देश का हिस्सा है, हम सबका हिस्सा है, उसे क्रिमिनलाइज करता है और उन एक्ट को क्रिमिनलाइज करता है। बहुत ही दुख की बात है। बहुत फायदा होता क्योंकि अगर सेलिब्रिटीज नहीं होते तो आप लोग यहाँ नहीं होते, और अगर आप लोग यहाँ नहीं होते तो इस मुद्दे को टीवी पर नहीं, टीवी पर इसकी चर्चा नहीं होती और जो अवेयरनेस ये नहीं फैला जाता। तो बहुत जरूरी है आर्ट, सेलिब्रिटीज, मीडिया, सबको एक होकर इंडिविजुअल चॉइस, इंडिविजुअल फ्रीडम, चाहे वो कौन किससे प्यार करता है, क्या पहनता है, क्या खाता है, क्या देखता है, वो इंडिविजुअल फ्रीडम है और जमहूरियत का मतलब है उसे अपहोल्ड करना।